2011 में साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया और उससे पूछा कि क्या रोबोट इंसानों पर राज कर सकते हैं। तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, बस कैद रखेंगे। साइंटिस्ट ने ये बात सुनते ही उस रोबोट को नष्ट कर दिया। लेकिन रोबोट के द्वारा किया जाने वाला पहला हत्या का केस 1981 में सामने आया। और आपको तो मालूम ही है कि एआई कितना डेवलप होता जा रहा है। अब आप कहोगे, अबे यार, अब ये एआई क्या होता है? एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने कभी चैटबॉट का इस्तेमाल किया होगा तो आपको याद होगा, मतलब आप किसी भी चैटबॉट पर मैसेज करते हैं तो उधर से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है, यही एआई है। आपने कभी किसी वेबसाइट से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर सर्च किया हो जो बाद में उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं? आप यूट्यूब पर जो वीडियोस देखते हो तो यूट्यूब बाद में उसी तरह की वीडियोस आपको दिखाता है, यही तो एआई है। 2017 में फेसबुक ने दो एआई चैटबॉट यानी ऐसे दो कंप्यूटर सिस्टम बनाए जो आपस में बात कर सकते हो, जिससे दुनिया में तहलका मच गया। एक रोबोट का नाम रखा बॉब और दूसरे रोबोट का नाम रखा एलिस। इन दोनों रोबोट से आपस में बात करने को कहा गया। अब ये रोबोट्स आपस में बात करने लगे। बॉब, आई कैन आई एवरीथिंग एल्स डॉट डॉट डॉट। एलिस, बॉल्स हैव जीरो टू मी टू मी टू मी टू मी। बॉब, यू आई एवरीथिंग एस डॉट 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 डॉट। एलिस, बॉल्स हैव ए बॉल टू मी टू मी टू मी टू मी। शुरुआत में तो उन्होंने सही सही बात की, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। उन्होंने जब देखा कि ये दोनों रोबोट्स आपस में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ये लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आई कि वो आपस में बातें क्या कर रहे थे, तो फिर उन्होंने इन दोनों रोबोट्स को यहीं पर रोक दिया और सारे सिस्टम को यहीं पर बंद कर दिया गया।